सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी आज थोड़ा ठीक हूँ पहले से। बट ये देख रहे, पिंपल निकल आया, यहाँ भी निकल आया, इधर भी निकल आया। तो पता नहीं क्या, ये हमेशा मेरे को निकलता ही रहता है आए दिन। तो मेरी आदत हो गई है, बट कोई नहीं, सब छोड़िए। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं, पहले बीच में ना उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, उनको फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एक कचहरी के पास है गंगा नर्सिंग होम, वहाँ पे OP डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं। तो उनसे हुआ, तो जो भी वो जांच वगैरह के लिए बोले, वो सारी जांच वगैरह हुई, तो फिर जो रिपोर्ट वगैरह आई वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो खुद ही बोले कि जो है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप घर ले जाइए, 5 दिन बाद जो है आप दिखा दीजिएगा, दवाई जो है उसको टाइम टू टाइम दवा वगैरह दीजिए। तो बट भैया और चाचा सोचे कि मान लीजिए कि इनका फीवर अभी नहीं उतर रहा है, मान लो घर पे दिक्कत हो, इससे अच्छा है कि 1-2 दिन यहीं पे देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने एडमिट कर दिया 1-2 दिन के लिए। फिर 1-2 दिन में पापा बिल्कुल ठीक हो गए, तो कल रात में पापा चले गए घर, वो डिस्चार्ज हो गए। ये खुशखबरी है कि वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स हो गया, आराम हो गया है, वो घर गए हैं, तो पक्का 1-2 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। बाकी एक पता है, मेरा सूट में काफी दिनों से उसको मतलब लिया था मैंने, उसको स्टिचिंग उसकी हो नहीं पाई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी कि चलो दे देंगे वो दे देंगे। वो जो टेलर से हम लोग सिलवाते हैं उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको भी टाइफाइड हो गया था, तो सिल नहीं पाए थे। तो फाइनली मेरा कल वो सूट सिल के आ गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा सूट है। बीच बीच में धूप आ जा रही है क्योंकि लेट हो गया है मुझे आज उठने में। ये ना, ये जो पिंपल है यार, दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन बड़ा सा है, और ये मेरे को बहुत दर्द करता है। ये पूरे से मतलब होता नहीं, तान लिया रहता है वैसा। मैं क्या कर सकते हैं, ये 2-4 ही हफ्ते तो लगेंगे इसको ठीक होने में सही से। मैं इसको छूती रहती हूँ बार बार। ऐसा होता नहीं, अगर आपके कुछ आपके चेहरे फेस पे या कुछ भी होता है तो बार बार तुम्हारा दिमाग जो है उसी पे जाता है। तो यही मेरे साथ हो रहा, बार बार उसको पुश करती रहती हूँ, पुश करती रहती हूँ। मेरा मन करता है इसको तोड़ ताड़ के निकाल दूँ, बट ऐसा करने से पता है बगल में एक और निकल आता है। तो फिर मैं इस बार ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो चलो मैं आपको सूट दिखाती हूँ कि मैं जो सूट मेरा बन क्या है। दीदी ने ही लिया था जब मैं दिल्ली गई थी, तो दीदी ही जेजे के साथ गई थी, तो वो खरीद के लाई थी। तो सूट का कपड़ा था, फिर उन्होंने सिलवाया है, दोनों का सेम है, मतलब एक रेड सूट है, दोनों ने सेम सिलवाई है, और एक है ब्लैक कुर्ती, ब्लैक कपड़े लिए थे उसकी कुर्ती बनवाई है। कुछ खा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं सूट कौन सा मेरा सूट बन के आया है। दीदी बनाई आलू की पकौड़ी, नहीं आलू की कचौड़ी और अचार है। दो तो मैं खाऊंगी नहीं, हमको दो दे दी है, मैं खाने वाली तो बस एक हूँ। खा लेती हूँ, एक तापियार से बनाई है, तो पर मुझे सुबह सुबह ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है भी, बस एक कप चाय मिल जाए, चाय तो चाहिए चाहिए। मैं खा लेती हूँ, बहुत गर्म है। ऑफिस में खाऊंगी, ऑफिस में दोबारा 11 बजे चाय मंगा के तब मैं खा लूंगी, समझी। तो ये मेरा सूट है जो मैं सूट की आपसे बात कर रही थी। तो इसमें जो है दो, मतलब एक कुर्ती सेट, जैसे मतलब एक कुर्ती होती है, एक पैंट होता है, वैसा करके दो है, एक मेरा एक दीदी का है, और ये जो है कुर्ती कुर्ती है, एक कुर्ती मेरी है, एक कुर्ती दीदी की है। तो बट ये आप इसको देखेंगे ना, सच में बहुत सुंदर है। जब मैं पहन के आपको दिखाऊंगी ना, तब समझ में आएगा कि बहुत अच्छी लग रही है। जैसे इसमें तो लग रहा है कि पत्ते लटक रहे हो, पर ऐसा नहीं है, फ्लावर्स बने हैं, पर ये मस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उतनी ही सॉफ्ट है, एक ये वाला ली थी दीदी कपड़ा, इसको सिलवाए हैं, मतलब दीदी सिलवाई है, और ये वाला एक ये सूट है, ये पूरा रेड है, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, पर बड़े मस्त लगते हैं पहनने पर। दूर से बहुत अच्छा लगता है, पास से भी अच्छा लगता है, पर दूर से ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक मेरा है, एक दीदी का है। ये ट्राउजर है, ट्राउजर भी उन्होंने बड़ा मस्त बनाया है। जब मैं इसको आप पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, पर मुझे तो दोनों बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छा है, हम लोग रोशन बाग से लेके आए इस कपड़े को, है ना दीदी, बहुत अच्छा है। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, पहले क्या पहनो, कुर्ती पहनो या सूट पहनो? पहले सूट पहन के दिखाती हूँ।
रही हूँ। अब मैंने आपको दोनों कुर्ती पहन के भी दिखा दी। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि बज गए हैं कितना, 9:30 बज गए हैं ऑलरेडी, आज लेट हो गया है तो मैं जा रही हूँ। अच्छी खबर यह है कि मेरे ससुर जी भी अपने घर चले गए हैं, मतलब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब बुखार होता है तो शरीर बिल्कुल टूट सी जाती है, तो बिल्कुल एनर्जी रहती नहीं है बॉडी में। 1-2 दिन में वहाँ पे अच्छे से खाएंगे पियेंगे, टाइमली दवा लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 5-10 दिन शायद उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको दिखाने आना पड़ेगा एक बार। तो मैं चलती हूँ ऑफिस। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है बताओ? आज है फ्राइडे। फ्राइडे और कल जाना है, परसों मेरी है छुट्टी। तो चलो मैं चलती हूँ ऑफिस। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, जैसे मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, वैसे मेरी बड़ी वीडियोस भी देखा करिए प्लीज। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके बताया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए। हम लोग सोचेंगे आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो चलो आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, आप सब खुश रहें। मैं निकल दी ऑफिस के लिए, मेरा भाई जा रहा है मुझे ऑफिस छोड़ने, क्योंकि मुझे हो गया है काफी लेट।